हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें आगे कंटिन्यू करना है। अभी तक जो भी मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो जो भी बच्चों के माइंड में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप हमारे वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब आगे हमें कंटिन्यू करना है और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी वीडियो आपको रिक्वायर्ड चाहिए या कोई भी अन्य वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बता सकते हैं। और उसके बाद हमें आगे यहाँ पर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके आप बता सकते हैं। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर रैखिक वाले समीकरण। अब हमें प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 6 से हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आलेखी विधि से सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 के अनंतता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आलेखी विधि से भी हमें सिद्ध करना है और इसके अनंतता अनेक हल भी बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशंस दी हुई है, दो इक्वेशन रैखिक समीकरण दिया हुआ है। पहली इक्वेशन दी हुई है आपका एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 5। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ए वन इज इक्वल टू 1 है और बी वन इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 है। और सी वन अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका जो सी वन आएगा वो आपका हो जाएगा माइनस का 5। अब सिमिलरली यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन दी है, सेकंड इक्वेशन, उसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। अब इसको भी हमें वैसे ही करना है, 3x प्लस 6y इधर लेकर आएंगे तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, a2x दूसरी इक्वेशन है हमारी, ये b2y प्लस c2 से हमें तुलना करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए टू इज इक्वल टू 3, बी टू इज इक्वल टू 6 और सी टू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का 15। अब क्या करना होगा कि अनंत अनेक हल के लिए हमने आपको कंडीशन भी बताया था, तो हमें रेशियो निकालना होगा ए वन अपान ए टू। ए वन अपान ए टू अगर हम निकालते हैं, तो ए वन की वैल्यू 1 है और ए टू की वैल्यू 3 है। और इसी प्रकार से हमें बी वन अपान बी टू भी निकालना है, तो बी वन अपान बी टू निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपान 6। 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जै 2, 2 3 जै 6, यानी कि 1 अपान 3 वैल्यू आ गई। और इसी तरह से सी वन अपान सी टू निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, माइनस का 5 अपान माइनस का 15। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 3। तो आप देख रहे हैं कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल्स टू है बी वन अपान बी टू और इज इक्वल्स टू सी वन अपान सी टू। जब इस तरह से ये कंडीशन आ जाती है, तीनों का रेशियो जो है ए वन और ए टू, बी वन और बी टू, सी वन और सी टू, तीनों का रेशियो जो है क्या है, इक्वल वैल्यू दे रहा है। ये किसके बराबर है, सारी वैल्यू 1 अपान 3 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, अनंतता यहाँ पर अनेक हल होंगे। अनंतता यहाँ पर लिख सकते हैं अनेक हल होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप हमारे पहले वाले लेक्चर्स में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, इसी इक्वेशन में कह रहा है कि आलेखी विधि से सिद्ध कीजिए। तो ये एक मैंने आपको इस इक्वेशन से बताया, आलेखी विधि का मतलब है अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, क्या करना है, इसको ग्राफ में हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन जो 2 दी हुई है उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और इसके हमें पॉइंट निकालना होगा, एक्स और वाई के दो दो पॉइंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो यहाँ पर एक सीधी रेखा ही बनेगी ग्राफ में। वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं,
x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। और अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तब कितना निकल के आएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर से निकाल लेते हैं x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर, 5 माइनस 4 यानी कि 1 आ गई। तो यहाँ दो अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो यहाँ पर दो पॉइंट निकल के आए, ये नोट डाउन कर लेते हैं x की वैल्यू हो जाएगी, x और y की। एक y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 लिया हुआ था पहले, और तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ पर, 5, सॉरी y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 लिया हुआ था, x की वैल्यू 5 निकल के आई है, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऑलरेडी से 2 लिया हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है। यहाँ पर हम 1 नोट डाउन कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट निकल के आया। अब इसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, इस सेकेंड इक्वेशन में भी हमें यही काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 3 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं या ना भी लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारे लिए बनी हुई है। और ये इक्वेशन में देखिए पहले क्या करना होगा, वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं, वाई इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 0, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 5 आ जाती है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू फिर से हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तब कितना वैल्यू आ जाता है, 3x प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15। ये 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 माइनस 12 यानी कि 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर भी अगर हम टेबल बनाते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए x और y दो हमने यहाँ पर वैल्यू ली है, और x और y में आपको मैंने y की वैल्यू कितनी ली थी पहले, 0 ली थी, तो x की वैल्यू 5 निकल के आई, और y की वैल्यू मैंने आपकी 2 ली थी, तो x की वैल्यू 1 निकल के आई। अब देख रहे हो यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सेम निकल के आई है, यानी कि जो रैखिक समीकरण आपका बनेगा दोनों लाइन का सेम यानी कि उसी पर ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, ऑलरेडी से डिजाइन है, और यहाँ पर क्या करना है, हमें पॉइंट केवल लिखना है, एक्स की तरफ आने प्लस पॉइंट पे हमें जाना है 5। तो 5 आपका यहाँ पर ये हो गया, और वाई पे हमें 0 चलना है, 0 पे नहीं, तो यहाँ पर 0 ये वैल्यू वाई पे 0 जाना है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ वैल्यू आपके ये जो पॉइंट होंगे 0.5, यहाँ पर जो पॉइंट होंगे 5.0 होंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं इस ग्राफ में 5.0। और इसी तरह से हमें अगला पॉइंट देखना है, एक्स में हमें 1 जाना है और वाई में हमें क्या जाना है, 2 जाना है। ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू हम नोट कर लेते हैं 1.2। एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू कितना है, 2 है। और यही आपका इस पॉइंट का भी आएगा, इस वाले पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट हमारे सेम निकल गया है दोनों रेखाओं के बीच में। पहली जो रेखा आई थी वो ये आया था और इसका सेकेंड की ये आई। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें ग्राफ को डिजाइन करना है। तो देखिए आप दोनों पॉइंट को अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रहा है, ऐसे ऐसे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। तो दोनों की इक्वेशन हमारी क्या आएगी, यही लाइन होगी और यही हमारा रेखीय ग्राफ होगा आलेखी विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये हमारा समीकरण कौन सा था, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यही क्वेश्चन गिवन थी आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर ये दी हुई है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। आप इस इक्वेशन में अगर देखते हो तो यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाता है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, और 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 जब 15, तो ऑलरेडी से x प्लस 2y इज इक्वल टू
5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैं ऑलरेडी से सेकंड इक्वेशन में यहाँ कॉमन लेकर हम पहले से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये शो करने के लिए इस ग्राफ में दिखाया है कि आपका जो इक्वेशन बनेगी या आपका स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो आपको एक ही लाइन पे ओवरलैप करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये फुल मार्क्स आपको लेना है तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, और अगर 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो आपको अनंत अनेक हल करके यहाँ पर तक ही आपको सॉल्व करके शो करके दिखा देना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, पहले बीज गणितीय में दिखाना है, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मानना पड़ेगा कि माना अफ्ताब की आयु क्या है, एक्स वर्ष है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं सोल्यूशन इसका। माना अफ्ताब की आयु जो होगी वो कितनी होगी, एक्स वर्ष होगी, और उसके बाद हम पुत्री की उसकी आयु मान लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी है, वाई वर्ष है। अब देखिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अफ्ताब कितनी गुनी आयु का था पुत्री से, 7 गुनी आयु का था। तो यानी कि पूर्व है, तो इसमें हम 7 माइनस करेंगे दोनों में, तो एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया वाई माइनस 7। अब देखना है कि अफ्ताब 7 गुना पहले क्या था, 7 गुनी आयु का था अफ्ताब। अफ्ताब की आयु मैंने क्या मानी थी, एक्स, ये अफ्ताब की आयु है। अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 7 गुना और बढ़ जाएगा। हमें इक्वल किया है तो हमें पुत्री वाले आयु में 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इसकी दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यहाँ पर अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आपका जो आया एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो यक्स इस 7y को इधर ले आएंगे तो ये 7y माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 49 और प्लस का 7 इधर ले जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करना है। तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप इसे ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये इक्वेशन बन गई आपकी पहली कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो कि पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी क्या थी, पहली शर्त थी, ये आप नोट कर सकते हो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अगली कंडीशन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, यानी कि दूसरी जो कंडीशन है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन हम नोट डाउन करते हैं, सेकंड। अब इसमें क्या है, 3 वर्ष बाद, उसमें क्या था, 7 वर्ष पहले था, अब इसमें है कि 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है, यानी कि हम दोनों में 3 ऐड करते हैं। कितना का ऐड करते हैं, दोनों में 3 का ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अफ्ताब कहता है। अफ्ताब कितनी गुनी का रह जाता है, 3 गुनी। अफ्ताब की आयु कितनी थी, एक्स थी, और पुत्री की आयु हमने वाई लिख की थी। तो यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अफ्ताब में, तो पहले से ये 3 गुनी था, 3 गुनी का रह जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, फिर से उसकी पुत्री में ही 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन।
अब इसे फिर से अगेन सॉल्व करते हैं वैसे ही, तो ये एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3y प्लस 9। इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई है, और यहाँ पर आपको यही करना था कि इस क्वेश्चन में कि बीज गणितीय रूप में लिखना था, मैंने बीज गणितीय रूप में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि इनके पॉइंट निकालने हैं और इनको हमें ग्राफ में व्यक्त कर देना है। तो दो इक्वेशन आपकी निकल आई है, दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ग्राफ में बनाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम दो दो पॉइंट निकालने होंगे प्रत्येक इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नोट करेंगे पहली, यहाँ पर सेकेंड आपकी नोट है ऑलरेडी से, और फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। 7 6 कितना होता है 42, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। एक पॉइंट आपका ये निकल आए। वाई की वैल्यू हम और ज़्यादा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो एक्स माइनस 7 × 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 42। तो एक्स माइनस 7 × 4 = 28 इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 28। अब ये देखिए 42 में 28 को माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर 3 में 2 गया 1, यानी कि माइनस का 14 आ जाएगा। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 14। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं दोनों को, ऐसे और ऐसे। ये एक्स के पॉइंट है और ये वाई, एक्स की वैल्यू हमने 0 लड़की थी तब वाई की वैल्यू 6 आई थी, और एक्स की वैल्यू आपकी 14 आई हुई है दूसरी बार में, और वाई की वैल्यू हमारी 4। अब दूसरी इक्वेशन हमारी ये ऑलरेडी से गिवन है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2। अब इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 1 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी x माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू 6। तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमने सिंपल दो पॉइंट निकाल लिए इसके भी। अब यहाँ पर हम इसका चार्ट बना लेते हैं साड़ी इसकी, ये आपका आया x है और ये y। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है 9। ये ग्राफ हमारा डिजाइन है ऑलरेडी से, और इसमें हमें क्या करना है पॉइंट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। देखिए x की तरफ हमें 0 जाना है तो ये 0 है, और y की वैल्यू 6 है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर निकल गया आएगा पहली वाली इक्वेशन का 0,6। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 0,6 को। अगला पॉइंट यहाँ पर गिवेन है -14,4, एक्स की वैल्यू -14 है, यहाँ पर आएगा आपका -14 अप्रॉक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 14 आएगा, और वाई की वैल्यू है आपकी 4, वाई की वैल्यू है 4, यानी कि आपका जो पॉइंट आएगा ये आएगा, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं -14,4, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट।
इसको दोनों को मिला लेते हैं, इससे हम एक स्ट्रेट लाइन पहले खींचते हैं। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये कौन सी इक्वेशन की थी, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, x माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस 42। ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन थी x माइनस सेवन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ये आपकी लीनियर इक्वेशन का ये आपका स्ट्रेट लाइन बना। अब अगली इक्वेशन जो दी है x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस टू, ये आपका पहला पॉइंट आया जीरो कामा माइनस टू। अगला पॉइंट आपका क्या गिवन है, नाइन कामा वन, एक्स की वैल्यू आपकी नाइन है और वाई की वैल्यू आपकी वन है, तो ये आपका है। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इन दोनों पॉइंट से भी। तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, ये इस तरह से सिमिलर जाएगी। ये आपकी कौन सी लाइन हुई, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन की आई लाइनियर इक्वेशन की, और ये आपकी पहली इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आप देख रहे हो कि रैखिक समीकरण में आपकी जो भी इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है वो एक सीधी रेखा बन रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, और दोनों इक्वेशन जो आपकी इनका ग्राफ बना हुआ है, तो आप ये दोनों इक्वेशन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, बिल्कुल सिमिलरली उतना ही गैपिंग है, और दोनों इक्वेशन में ये पैरेलल लाइन को शो करता है, समांतर लाइन इनको बोलते हैं। तो ये आप का यहाँ तक सॉल्यूशन आपका हो चुका है, और इसमें यही काम करना था, बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त करना था और इसे ग्राफ में भी व्यक्त करना था, तो मैंने दोनों आपको यहाँ पर करके बता दिया। सेवन इक्वेशन का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। एट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल है किसी दिन 160 रुपये था, और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का जो मूल है 300 रुपये हो जाता है। यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में हमें इसे व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है, और जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सेवेंथ क्वेश्चन में किया हुआ है, यहाँ पर नोट कर सकते हो कि इस स्थिति को बीज गणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा नोट है, तो मैंने इसको पूरा कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें मानना है जैसे मैंने सेवेंथ क्वेश्चन में किया हुआ था, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि माना सेब है x किलोग्राम है और जो अंगूर है वो कितना है y किलोग्राम है। अब इसमें कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं पहली शर्त के अनुसार, तो 2 किलोग्राम सेब है तो यानी कि 2 x प्लस 1 y, इनका दोनों का जो रेट है वो कितना था 160 रुपये था, तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। और दूसरी जो शर्त है, ये हमारी ये पहली शर्त थी, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या गिवेन है, उसके आधार पे हमें इसे नोट डाउन करना है। एक महीने बाद क्या हो जाता है कि 4 किलोग्राम यानी कि 4x प्लस 2 kg सेब है तो 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाता है 360 हो जाता है, यानी कि 300 हो जाता है।
आपको अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ दो यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो 2x + y = कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 2x = y = कितना हो जाएगा, 150। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। ये आपको दोनों इक्वेशन निकल के आ गई हैं, पहली और दूसरी। अब मैंने इसलिए इसको निकाल लिया है क्योंकि आपका ये बीज गणितीय रूप तो ये बन गया, ये आपका पहला आंसर आपके दोनों में आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी में गिवन है कि ज्यामिति रूप में हमें दिखाना है, यानी कि इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये इधर लेफ्ट साइड का पार्ट आप देखिए, 2x + y है और यहाँ पर क्या है, 2x + y है, दोनों सेम पार्ट दिख रहा है। तो थोड़ा सा ही इस ग्राफ में अंतर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये ओवरलैप कर रही है हमारी स्ट्रेट लाइन, एक दूसरे पे जाती हुई जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड की वैल्यू है 160 है, 10 का अंतर है और यहाँ 150 है। तो ये जो 10 का अंतर आ रहा है ना, तो वो आपको अंतर भी आपको ऐसा ही दिखेगा उस ग्राफ में, बनेगी दोनों की स्ट्रेट लाइन। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को नोट करना है और हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्व करना होगा, ग्राफ में बनाना होगा। तो 2x + y = कितना दिया हुआ है, 160। अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 50, कितनी ले लेते हैं 50, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू 2 × 50 यानी कि 5 × 10 100 हो गया, 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 160 में 100 माइनस करेंगे यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 × 30 ले लेते हैं या 40 ले लेते हैं, एक्सक्यूज मी, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 40 ले लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर से, नोट डाउन कर लेते हैं, y = 160 - 2 × 80। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 80 आ गई। तो दो इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई, दो पॉइंट निकल के आ गए, पहला x और y। x की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 50, y की वैल्यू आ गई 60, फिर x की वैल्यू हमने ली थी 40, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 80। ये आपका चार्ट बन गया पहली इक्वेशन का। ये आपका चार्ट यहाँ पर बन गया। अब अगली इक्वेशन दी हुई है आपकी, सेम इक्वेशन है लगभग, 2x + y = 150। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 50 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी इसमें भी। ये x = हमने 50 ले लिया तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 उधर माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर फिर से हम 40 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो ये भी हमारा चार्ट बन गया है, एक्स और वाई, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, 50, वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 50, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 40 और वाई की वैल्यू 70। ये आपका दूसरा, दूसरी वाले इक्वेशन का ये आपका चार्ट बन गया, इसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसी से हम ग्राफ बनाते हैं, ये आपको ऑलरेडी से ग्राफ दिया है, लेकिन ये जो ग्राफ आपका दिया हुआ है तो इसमें आपका देखिए 1 से शुरुआत है, लेते हैं कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी तरह से हम सब में करते हैं, सब में कर लेते हैं 60, 70 और 80, 90, 100। और यहाँ भी हम यही काम करते हैं, माइनस 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70।
माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70, माइनस का 80, माइनस का 90, माइनस का 100। अब देखिए हमें दोनों इक्वेशन की स्टेटमेंट बनाना है, ये रैखिक समीकरण है तो x की वैल्यू कितना आया 50, 50 देखिए कहाँ पर है, ये है। y की वैल्यू कितना है 60, 60 यहाँ पर है, यानी कि ये पॉइंट आपका है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 50, 60। अगला पॉइंट है 40, 80। 40 ये है और 80 कहाँ पर है, ये, यानी कि ये पॉइंट 40, 80। तो दो स्ट्रेट लाइन में, दो पॉइंट में आप ये स्ट्रेट लाइन देखो, दोनों बनाते हैं तो आपका ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है और वाई इक्वल टू 40 दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 50 और वाई इक्वल टू 50, सॉरी एक्स इक्वल टू 50 और वाई इक्वल टू भी आपका 50 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट आपका आता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 40 दिया हुआ है और वाई इक्वल टू 70, 40 ये है और वाई इक्वल टू 70 ये आपका है, 40, 70 ये आपको पॉइंट यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी बनाना होगा, तो देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनता है, तो आपको क्या दिख रहा है, 10 का जो अंतर आ रहा था वो आपको समझ में आ रहा है कि 10 का कितना अंतर हो रहा है, बस इतना ही अंतर हो रहा है और यही आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, दो रेल की पटरियाँ हैं और उनमें से जो समीकरण गिवन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस इसको ज्यामिति रूप में यानी कि ग्राफ ही बनाना है। तो दोनों ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ ही बनाना है केवल। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस का 4, इधर माइनस में दिया हुआ है क्वेश्चन में और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट निकालते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 4, यानी कि y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगर हम y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 × 2 2 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0 आ जाएगी। आपके ये दो पॉइंट निकल के आ जाते हैं यहाँ पर, पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है और एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू आपकी 0 थी, तब वाई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और फिर वाई की वैल्यू हमने 2 लेट की थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, 0 हो जाएगी, ये मैंने आपको नोट कर दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, ताकि आपका 3 2 6, यानी कि अगर हम वाई की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 3, तो एक्स प्लस 2 × 3 इक्वल्स टू 4, तो एक्स इक्वल टू 3 2 6 माइनस का 6, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और नोट डाउन कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू मैंने वाई की वैल्यू 3 ली थी, तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2y 2 2 4 और 2 3 12 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/2,
और वाई इक्वल टू अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 1 आ जाएगा। ये 2 वैल्यू आपकी निकल गई आपकी। अगला पॉइंट और अगर हम ले लेते हैं, वाई इक्वल टू अगर हम 3 ले लेते हैं तो यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 2 6 6 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा माइनस का 3। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर निकल के आते हैं, तीनों का हम यहाँ पर एक साड़ी बना लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी थी 0, वाई की वैल्यू आपकी आई 3/2, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 2, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई थी -1, फिर वाई की वैल्यू आपकी 3 और एक्स की वैल्यू कितनी आई -3, ये दोनों वैल्यू निकल के आई। अब हमें ग्राफ बनाना, क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 0 और 2, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, ये आपका पॉइंट आ गया 0, 2। अगला पॉइंट आपका सेम है 0, 2, तो ये भी आपको वही आएगा, इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट निकाल के दिया हुआ है -2, 3, एक्स की वैल्यू कितनी है -2 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपको पॉइंट निकल के आएगा -2, 3। इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा, क्योंकि आपका जो अगला पॉइंट दिया था वो आपका सेम पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको 2 पॉइंट निकाल के यहाँ पर बताया। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आई। अब अगले स्ट्रेट लाइन ये कौन सी इक्वेशन की थी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ये x+2y=4, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है x+2y=4। अगली इक्वेशन में क्या है, x+2y=3 दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या करना है हमें, 3 पॉइंट इसमें भी मैंने निकाला हुआ है, x=0 और y की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, यानी कि 2 1 2 और 2 5 1.5, यानी कि 1.5 आपकी y की वैल्यू यहाँ पर आएगी, पॉइंट में आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1.5। तो x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू जो दिया है 1.5 है, 1.5 यानी कि यहाँ पर आएगा, ये जो पॉइंट आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं 0 और वाई की वैल्यू है आपकी 3/2, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर बना। अगला पॉइंट है आपका एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू आपकी 2 है, ये पॉइंट आपको बना -1, 2। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है -3 और 3, एक्स की वैल्यू -3 और y की वैल्यू आपका 3, ये आपको पॉइंट बना 3, -3, 3। तो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हमें, तीनों पॉइंट से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचना होगा, इस तरह से ये बने। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था 8 क्वेश्चन में, वैसा ही इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं x+2y=4 है, और यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू आई है x+2y=3 आई हुई है, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में भी आपको 1 का ही अंतर आ रहा है, तो x+2y=3, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये वाली, यहाँ पर नोट कर सकते हो x+2y=3, ये आपकी क्वेश्चन की स्ट्रेट लाइन है, और यही हमें ज्यामिति रूप में दिखाना था। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए
कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया था। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा। इस इक्वेशन में माना लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, एक्स, और जो लड़कियों की संख्या है लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, वाई है। इसमें 10 विद्यार्थियों ने लिया था गणित की प्रतियोगिता में, तो पहली इक्वेशन जो बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बन जाएगी, क्योंकि टोटल जो विद्यार्थी थे वो लड़के हो या लड़कियां हो वो कितने थे, 10 थे। अगली जो शर्त है हमारी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करना होगा एक्स और वाई, एक्स हमारा क्या था, ये लड़के थे, यहाँ पर नोट कर सकते हो ये आपके लड़के थे, और ये क्या थी आपकी, लड़कियाँ थी। तो ये दूसरी शर्त है, सेकंड कंडीशन, यहाँ पर नोट कर सकते हो सेकंड कंडीशन आपकी, और ये जो आपकी थी पहली कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन। एक्स हमने लड़के माने थे, वाई हमने लड़कियां मानी थी। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बस वैसे ही हमें करते जाना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये वाली संख्या, ये जो 4 है लड़कियों की संख्या, ये अधिक है लड़कों से। अगर हम इसी में 4 का ऐड कर देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें हमेशा अपोजिट में ऐड करना है जो भी कंडीशन दिया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी से गिवन है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कियों की संख्या 4, अगर हम इसी में 4 ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन से इक्वल नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या करना होगा, लड़कों की संख्या में 4 अधिक करना होगा, तब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो पाएंगे। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई, अब दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, तो यहाँ पर नोट कर सकते हो x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी, माइनस का 4, ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन आपका अपडेट होकर के आ गया। अब पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या हमें फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख सकते हो, या हल करने पर, ऐसे आप नोट कर सकते हो। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ नोट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर से देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3 आ गया। मैंने x क्या माना था, लड़कों की संख्या मानी थी, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर क्या निकल के आई, लड़कों की जो संख्या आई आपकी 3 आई। अब इसके बाद में x बराबर 3 को समीकरण पहले में या दूसरे में रखने पर, सेकेंड में, किसी भी इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू रख देंगे तो लड़कों की संख्या आपकी आ गई है, लड़कियों की संख्या भी आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि हम पहले इक्वेशन में लिख देते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो एक्स वैल्यू कितना है 3, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 10, वाई इज इक्वल टू अगर हम 10 में से 3 माइनस करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। ये दूसरा है एक्स और वाई, तो ये क्या था आपका, लड़कियों की संख्या थी,
हमें क्या फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। सेवन आ गई, ये लड़कों की संख्या थी और ये लड़कियों की संख्या। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना है कि कितने लड़कों ने और लड़कियों ने संख्या में भाग लिया प्रतियोगिता में। तो कितने आ गए, एक में सात लड़कियों ने, सात लड़कियों की संख्या जो आई सात आई, और लड़कों की जो संख्या आई वो कितनी आ गई, तीन आ गई। और वैसे ही अगर हमें इसे प्रूफ भी करना है तो टोटल लड़कियां लड़कियां कितनी थी, कक्षा दस में विद्यार्थी कितने थे, दस थे। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करते हो, थ्री और सेवन को ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, टेन आ रहा है। इसका मतलब सही है हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताना है और कौन सा अद्वितीय, किसका हल है, किसका नहीं है, किसका कोई भी हल नहीं है, या किसके अनंत अनेक हल है, यह अद्वितीय का हल होगा, उसे हल करना है। तो ये चार क्वेश्चन इसमें गिवेन है और इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों को सबको सॉल्व करना है। तो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको हमें कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और अच्छे से लिख लेते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आई 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। अगली क्वेश्चन इसी में दी हुई है आपकी, 6x 5y इज इक्वल टू 11, इसको भी हमें आगे सॉल्व करना है। तो 6x प्लस 5y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और जो c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालना है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 टू अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 3, b2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। फिर इसके बाद अगर हम c1 अपॉन c2 भी निकालते हैं तो कितना आ जा रहा है, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 11, यानी कि 7/11 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यह एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल जब ऐसा निकल के आ जाता है, इनका रेशियो दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को अगेन सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है और नोट डाउन करने के बाद में इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा x वाला जो टर्म होगा इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, जब इसमें हम गुणा करेंगे तभी आपका ये x वाला जो पद होगा वो आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7।
इसमें हमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 21। ये इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि ये तीसरी इक्वेशन है आपकी। अब तीसरी को और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण सेकंड व थर्ड को घटाने पर, तो घटाते हैं तो पहले हमारी इक्वेशन थी दूसरी 6x + 5y = 11, दूसरी इक्वेशन है आपकी थर्ड वाली 3x + 9y = 21। अब इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है कि हमारा साइन चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4y = यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का वो भी बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा y = -+ हो जाएगा, तो 10/4 2 4 2 5 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5/2 आ गई। अब y = 5/2 समीकरण 1 व 2 में रखने पर, आप 1 में रखें या 2 में रखते हैं तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 2x + 3y = 7 थी। इसमें मैंने आपकी पहली इक्वेशन में इसको यहाँ पर क्या किया है, मैंने y की वैल्यू यहाँ पर रखना है, यहाँ रख लेते हैं 2x + 3 × 5/2 = 7, तो 2x + 5 3 कितना होता है 15/2 = 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2x = ये हो जाएगा 7 - 15/2, यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा कितना हो जाता है 14, माइनस 1 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/2 आ गया, तो 2x = कितना आ गया, माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4। ये दोनों सोल्यूशन आपके आएंगे, x की वैल्यू और y, ये आपका x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन आ रहा था अद्वितीय हल आ रहा था। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें अगेन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि निकाय का अद्वितीय हल अगर होता है तो उसे ज़रूर हल करें, तो आपको इसी तरह से आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपका इसी प्रकार से आएगा, अद्वितीय हल ही आएगा, इसको भी आपको सॉल्व करना है, और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको अद्वितीय हल ही आएगा, इसी तरह से आपको ये भी करना है, सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है जैसा मैंने पहले बताया है 11 क्वेश्चन में। और अगर तब भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें ज़रूर क्वेश्चन को नोट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर ये सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है एग्जाम्पल के तौर पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, सिद्ध करें कि सी का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx + 3y = c - 3, ये दो इक्वेशन गिवेन है और इसमें कंडीशन आपका गिवेन है कि अनंतता अनेक हल होते हैं, तो इसका सी का हमें मान बताना है। तो ये क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें नोट कर लेना है, cx + 3y = c - 3, इसको हम फिर से लिख लेते हैं cx + 3y, इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं तो माइनस का सी और प्लस का 3 = 0। अब इसे हमें कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0 से, तो a1 की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, सी है, और b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 है, और जो c1 आएगा आपका
माइनस का सी प्लस थ्री आएगा। अगेन इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, 12x प्लस cy इज इक्वल्स टू सी। इसको नोट डाउन करते हैं तो 12x प्लस cy माइनस का सी इज इक्वल्स टू जीरो। a1 इसको हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करना है, तुलना करना है। a2 की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी और b2 की वैल्यू आपकी c हो जाएगी और जो c2 होगा माइनस का c हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज मैंने आपकी निकाल ली हैं और अनंतता अनेक हल में क्या होता है कंडीशन भी मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 निकालना होगा, यानी कि a1 की वैल्यू c है, a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू आपकी माइनस का c है, सॉरी a2 की वैल्यू 12 है यहाँ पर इसके लिए। यहाँ पर आपका 12 दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c अपॉन 12 आ गया। और अगला जो है आपका b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है आपकी c है। इसी तरह से c1 अपॉन c2 निकालते हैं, माइनस का c प्लस 3 अपॉन माइनस का c। अब क्या करना है हमें, c का वैल्यू निकालना है, यानी कि c की वैल्यू अगर हमारी निकल आती है तो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो अनंतता अनेक हल में मैंने आपको कंडीशन बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों वैल्यूज इनका रेशियो जो है अगर सेम आता है तो निकाय का अनंतता अनेक हल होते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, इन तीनों को इक्वल कर देना होगा। देखिए सी अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस का सी प्लस 3 अपॉन सी माइनस। अब देखो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर लेते हैं तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं तो सी अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 × 3, यानी कि 36 आ जाएगा। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट लगाइए 36, यानी कि 6 वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई, जो कि हमें सी फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर हो गया। तो 12 हमारा ये प्रूव हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा हुआ है तो आप हमें ज़रूर शेयर करके बताएं। और अन्यथा अगर कोई भी आपका कोई और वीडियो आपको रिक्वायर्ड है या आपको और वीडियो भी कोई चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप हमें ज़रूर बताएँ, कमेंट करके बताएं और वीडियो हम आपको ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। और यहाँ तक हमारे लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच और विश यू